पहले जो ये एम्प्यूटी क्लिनिक थी, पहले कोई पेशेंट आता था जिसकी क्रश्ड लिम्ब है, क्रश्ड लेग है, तो उसको मतलब इतना स्ट्रगल करना पड़ता था। एक तो पहले ही ये काफ़ी शॉकिंग होता है, जिसकी टांग टूटी हो या हाथ क्रश हुआ हो, उसके लिए तो एक बड़ा पेनफुल प्रोसेस होता है। अब क्या होगा कि अब उसका सर्जरी के लिए ख्याल रखा जाएगा, उसके बाद में जैसे उसका रिहेबिलिटेशन, जैसे फिजियोथेरेपी में या PMR में, और साइकोलॉजिकल जो उसके इश्यूज है उसको सेटल करने के लिए जो भी कुछ करना है वो सारा पॉसिबल होगा। वो उसकी प्रोसेस जारी रहेगी, नहीं तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पे भटकना पड़ता था। तो उसकी उसकी जो रिहेबिलिटेशन है वो सारा होगा। बाद में उनको आर्टिफिशियल लिम्ब लगेगी या लेग लगेगी, उसके लिए भी जो कुछ देना है, जो कुछ होना है उसके लिए करेंगे। मतलब एक आखिरी सवाल कि जो जैसे कि एक फाइल बनती है पेशेंट के आने के बाद, तो वो एक ही फाइल हाँ, इंटरनली एक ही, जाएगी या फिर वो उसको सिर्फ एक ही फाइल होगी, और उसमें जैसे कि एक एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाना है, उसमें उसमें गाइड किया जाएगा उसको, ताकि उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो।